आज इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपने HDFC में लोन अप्लाई किया है, लोन असिस्ट ऐप से HDFC का, तो कैसे, क्या प्रोसेस है और कैसे कैसे क्या फील करना होता है, क्या डॉक्यूमेंट लगता है और क्या डॉक्यूमेंट नहीं लगता है, आज इस सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो और मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, कितना परसेंट इंटरेस्ट आता है, कितने महीने के लिए, फिर लोन कैसे प्रोसेस करते हैं, लोन असिस्ट ऐप से कैसे चेक करते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, तो सब कुछ उस वीडियो में बताया था। तो आपको उस वीडियो का लिंक आपको दे दूंगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हो फर्स्ट। सेकंड, आप इस वीडियो में बता दूंगा कैसे प्रोसेस लोन का प्रोसेस कैसे करते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। HDFC का लोन एप्लीकेशन जो है, लोन असिस्ट का एप्लीकेशन, उसको डाउनलोड करना है। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा कि कैसे लोन के एलिजिबल है या नहीं है, कैसे चेक करते, तो उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको पहले वो वीडियो देख लीजिए। देखने के बाद में आपको अपना लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद अपना एमपिन डालना है, एमपिन डालने के बाद में पर्सनल लोन पे क्लिक करना है, पर्सनल लोन पे क्लिक करने के बाद आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अपलाई नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सैलराइड पर्सन या सेल्फ एम्प्लॉय दो ऑप्शन मिलता है, आपको यहाँ पर सैलराइड पर्सन, अगर आप जो भी रह गए, जॉब करते तो ठीक है, बिजनेस करते तो भी ठीक है, तो दोनों को सेम डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। जहाँ पे आप मंथली सैलरी डालते हैं वहाँ पे मंथली एयरली जो साल का इनकम होता है वो आपको डालना होता है बिजनेस के, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हुए तो जैसे कि मैं सैलराइड पर्सन हूँ, मैंने सैलराइड पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में ना आई एम करंटली वर्किंग, आप कहाँ पर वर्किंग है उसका कंपनी का नाम डालना है, द इंडस्ट्री टू वर्क, मतलब कंपनी के कौन से पार्ट में आती है, इंडस्ट्री क्या है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस कंपनी है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर आपकी मंथली अर्निंग, आपके महीने कितना कमाते हो, जो आपके नेट आपका जो घर पे पैसा आता है वो कितना आता है, फिर आप करंटली ईएमआई, मंथली ईएमआई कौन, कितना ईएमआई चल रहा है वो आपको यहाँ पे डालना है, अगर नहीं चल रहा है तो जीरो डालना है, अगर चल रहा है तो जो अमाउंट जा रहा है वो अमाउंट आपको फिल करना है। फिर लिखना है डू यू हैव एनी HDFC अकाउंट, क्या आपके HDFC अकाउंट, आपका HDFC में अकाउंट है, तो आपको यस या नो करना है, देन चेक एलिजिबिलिटी पर क्लिक करना है। चेक करने के बाद यूर पर्सनल लोन अमाउंट 2 लाख है, और कितने महीने का अगर आप लेना चाहते हो वो आपको मंथ यहाँ पर सिलेक्ट करना है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ से अप्लाई नाउ पे क्लिक कर, आधार कार्ड से वेरीफाई करना होता है तो आधार कार्ड के 2 टाइप होते हैं, अगर आपके आधार कार्ड से नंबर लिंक नहीं है तो उसका जेरोक्स कॉपी आप अपलोड कर सकते हो फर्स्ट। सेकंड, आपको क्या करना है, आपके आधार कार्ड से नंबर लिंक है तो आधार बेस EKYC पे क्लिक करना, देन प्रोसेस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अपना आधार नंबर डालना है, गेट आधार EKYC पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में आपको EKYC, आपको एक OTP आएगा, आपको डालना है, देन यहाँ से वेरीफाई OTP पे क्लिक करना है। और जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपके ऊपर पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा फर्स्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे लिखेगा पर्सनल डिटेल्स, आपको अपना नाम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना रहेगा, मेल फीमेल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, देन यहाँ से रेसिडेंट एड्रेस पे क्लिक करना है। जब आप रेसिडेंट एड्रेस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे जो एड्रेस रहेगा आपको दिखाई देगा, फिर आपको यहाँ पे अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, सिटी सिलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है, और आप इसी एड्रेस पे रहते हो यस करना है, देन यहाँ पे आपका ये परमानेंट एड्रेस है तो आपको यस करना है। यस करने के बाद में आई हैव डिक्लेयर द फॉलोइंग करंट मेलिंग एड्रेस, इस पर आपको कन्फर्म करना है, क्लिक करना है, देन यहाँ से कंटिन्यू क्लिक करना है। करने के बाद में आपका यहाँ से पर्सनल डिटेल्स पूछा जाएगा, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, मैरिड अनमैरिड, आपका स्टेटस आपको डालना पड़ेगा, आप हिंदू है या मुस्लिम है आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, प्लस फिल करने के बाद में आपको अपना कास्ट आपको फिल करना पड़ेगा। जैसे आप अपना कास्ट फिल करेंगे, कास्ट फिल करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर सैलराइड है वो आपको यहाँ पे फिल कर ऑलरेडी रहेगा, आपको अपने कंपनी का नाम आपका ऑलरेडी फिल रहेगा, आपको यहाँ पे बैंकिंग इंडस्ट्री टाइप में फिल रहेगा, आपको टोटल वर्क एक्सपीरियंस डालना होगा, वर्क ईमेल आई डालना होगा और वर्क एड्रेस आपको डालना होगा। डालने के बाद में आपको अपना वर्क स्टेट डालना है और आपको वर्क सिटी डालना है, आपको वर्क पिन कोड डालना है,
फिर आपको ऑफिस का फोन नंबर रहेगा वो आपको डालना है, और आपका जो मंथली इनकम है वो आपको यहाँ पे डालना है, और ईएमआई अगर चल रहा है तो 00 रहेगा, और जो भी आपने यहाँ पे डाला रहेगा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। देने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। रहेगा इन्फॉर्मेशन रिव्यू, तो आप यहाँ पे लोन किसके लिए ले रहे हो, प्रपोजल आपको डालना है। तो यहाँ पे दो चार ऑप्शन रहेंगे, जैसे घर इन्वायरमेंट मतलब बनाने के लिए चाहिए, या शादी करने के लिए, या फिर पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए। आप यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आपके यहाँ पे लोन अमाउंट आपको डालना रहेगा, आपके कितने महीने का ईएमआई चाहिए, आपको यहाँ पे ड्यूरेशन आप चेंज कर सकते हो। आपको एक रेफरेंस में आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर किसी दोस्त या किसी फैमिली मेम्बर का डालना है। डालने के बाद में यू हैज बीन असाइंड और ऑफिशियल, मतलब आप अगर बैंक, आप जैसे कि यहाँ पे ना आप अगर HDFC के कैसे इम्प्लॉई भी होते हैं ना जो लोन प्रोसेस करते, तो अगर आप बैंक से प्रोसेस कराओगे तो यस करना है, अगर आप खुद से प्रोसेस करो तो आपको नो करना है। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा है, तो आपको यहाँ पे नो सिलेक्ट करना है, और आई हैव क्लियर हियर बाय गिवन माय कंसेंट टू कंप्लीट KYC अथॉर्ड, ठीक है। और यहाँ पे वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस एस प्रो, ठीक है। मतलब इसका इनका अभी ना जो ये स्टेप है, ये स्टेप में कैसे होता है कि आपको यहाँ पे ना नो करना है फर्स्ट, फिर आई हैव क्लियर पे क्लिक करना है। तो ये जो पूरा लिखा हुआ है ना, इसके बाद में आपको ना वीडियो KYC का एक लिंक आएगा आपके मेल या टेक्स्ट मैसेज पे। जब ये एप्लीकेशन पूरा कम, आप जिसे यहाँ से इस पर क्लिक करोगे, देन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, तो कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ना, तो आपके ईमेल आईडी पे पहले एक eKYC का लिंक आएगा, तो उसको आपको वेरीफाई करना है। देन आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी पे भी एक लिंक आएगा, वो भी आपको वेरीफाई करना है। जैसे आप वेरीफाई कर लोगे, फिर आपके यहाँ डिटेल्स सारे वेरीफाई किए जाएंगे बैंक से, और जैसे वो वैलिड मिलेगा, वैलिड मिलने के बाद में आपको वीडियो KYC का लिंक आता है मेल पे। तो मेल पे आने के बाद में वो जैसे देखो मेल पे आया था, तो जैसे आपको मेल पे और टेक्स्ट मैसेज में वीडियो KYC का लिंक आएगा, तो लिंक आपको वेरीफाई वीडियो KYC कंप्लीट करना है, वहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर दिखाना है, और किसके लिए लोन चाहिए वो आपको वहाँ पे बताना है। बताने के बाद में फिर जाके आपको 7 से 8 दिन में आपके अकाउंट में पैसा आता है। तो ऐसे ही HDFC का लोन अप्लाई करते हैं। अगर कुछ ना समझ पाया, कुछ ना समझा हो तो कमेंट कर देना, देन आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो और हमारा एक व्हाट्सअप ग्रुप है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। एनी प्रॉब्लम प्लीज़ जस्ट आप वहाँ पे टेक्स्ट मैसेज डाल सकते हो, तो हम उसके भी लिए भी रिप्लाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, ऐसे रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।